नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपकी एक बात में, जहां पे मैं आपको अपने देश की, विदेश की, प्रदेश की नई नई जानकारी और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियों और विचारों को आपके साथ साझा करूंगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए, हमें अपने कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है, क्योंकि ये एक कैंटिलेवर ब्रिज है। मतलब कि जिस ब्रिज को सिर्फ एक एंड से ही फिक्स किया गया है और इसे दूसरी तरफ से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? और क्या आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों इस ब्रिज का आज तक कभी उद्घाटन नहीं हो पाया? और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि इस ब्रिज को दिन और रात के 12 बजे दोनों ही समय पर आखिर बंद क्यों कर दिया जाता है? साल 1871 से पहले तक लोगों को कोलकाता से हावड़ा तक जाने के लिए हुगली नदी में से नाव से होकर गुजरना पड़ता था, जिसके बाद सरकार के निर्देशानुसार इस नदी पर 1528 फीट लंबे एक पीपे का पुल का निर्माण किया गया। बड़े बड़े पीपों को लगाकर बनाए गए इस पुल में 22 लाख रुपए का खर्च आया। लेकिन फिर जब यहाँ हावड़ा स्टेशन बना तो यहाँ पर लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद यहाँ की सरकार ने इस जगह पर एक फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ ब्रिज बनाने का फैसला किया। लेकिन उसी समय पहले विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो गई, जिसके चलते ये काम भी बीच में ही रोकना पड़ा। और फिर 1992 में बीबीजे नाम के एक कंपनी ने इस जगह पर काफी मजबूत और टिकाऊ ब्रिज बनाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया। उस समय में इतने स्टील को इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय अंग्रेजों ने उनके सामने एक बड़ी शर्त भी रखी कि इस ब्रिज को बनाने के लिए इसके नीचे कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि बड़े से बड़ा जहाज भी इस ब्रिज के नीचे से आसानी से निकल सके। यही वजह है कि उन्होंने यहाँ पर एक कैंटिलेवर ब्रिज को बनाकर तैयार किया। और हैरानी की बात तो ये है कि उस समय में इस ब्रिज को बिना किसी नट बोल्ट के ही बनाकर तैयार कर दिया गया। लेकिन उस समय के सबसे बड़े कारनामे को अंजाम देने के बाद भी इस ब्रिज का आज तक ही कभी उद्घाटन नहीं हो पाया, क्योंकि इस ब्रिज के बनते ही वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके चलते इस ब्रिज को बिना उद्घाटन के काम पर ही लगा दिया गया। उस समय जापान ने इस ब्रिज को बमबारी से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। ये ब्रिज इतना मजबूत है कि आज भी रोजाना इस पर से करीब 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां होकर गुजरती है। लेकिन इस ब्रिज को हर रोज दोपहर और रात के पूरे 12 बजे बंद कर दिया जाता है, जिसके पीछे का कारण ये है कि इसे बनाने वाले इंजीनियरों ने ये दावा किया कि ये पुल किसी भी दिन 12 बजे गिर जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके गिरने का समय वो रात में होगा या दिन में। बस इसी के चलते इसे इन दोनों ही समय पर बंद कर दिया जाता है। और हाल ही में किए गए एक निरीक्षण से ये पता चलता है कि पॉल्यूशन और मौसम की मार की वजह से ब्रिज काफी तेजी से कमजोर होता जा रहा है। इसको संभाल कर रखने वाले ये पिलर आकार में आधे रह चुके हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर ये कब तक टिके रहता है। नंबर 2, बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि भारत हर साल पाकिस्तान और बांग्लादेश से करीब 1.5 लाख मैट्रिक टन कचरे को खरीदता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर किसी और देश का कचरा भारत के किस काम का? दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई देशों के पास इस कचरे को रिसाइकल कर उसे दोबारा से इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए कोई भी खास किफायती इक्विपमेंट्स नहीं है, जिसके चलते उनके लिए इस कचरे को संभाल पाना काफी महंगा पड़ता है। और ये कचरा वहाँ पर पड़े पड़े सड़ता है और गंदगी मचाता है। इसी वजह से वो इस कचरे को भारत जैसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर भारत इस कचरे को इम्पोर्ट कर उसका आखिर करता क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पास ऐसे कई बड़े इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो इस प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर कई तरह की बोतल, पेपर और यहाँ तक की सड़कों को भी बनाने का काम करते हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि भारत अभी तक इस वेस्ट कचरे का इस्तेमाल कर 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़क का निर्माण कर चुका है। नंबर 3, यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए हम आज कचरे का इस्तेमाल कर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। वहीं इसी बीच हैदराबाद में रहने वाले 45 वर्ष के सतीश कुमार ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इन्होंने तो वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल कर पेट्रोल को ही बनाकर तैयार कर दिया, जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल को भी दौड़ा सकते हैं। उन्होंने इस पेट्रोल को प्लास्टिक पायरोल सिस नाम दिया है। इनका दावा है कि ये हर रोज करीब 200 किलो प्लास्टिक से 200 लीटर पेट्रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। जहां पेट्रोल की कीमतों में रोजाना बड़ी मात्रा में उछाल आ रहा है, वहीं सतीश ने अपने इस पेट्रोल का दाम ₹40 प्रति लीटर रखा है। नंबर 4, दोस्तों आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया ही होगा कि आखिर स्कूटी के इन टायर्स को बाइक्स के टायर मुकाबले में छोटा क्यों बनाया जाता है। तो आपको बता दो कि स्कूटी का निर्माण एक पूरी फैमिली की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इसमें मौजूद ये बूट पैर रखने के काम तो आता ही है, लेकिन साथ ही ये भरी सामान जैसे कि सिलेंडर और घर का जरूरी राशन रखने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसकी वजह से इस बूट स्पेस में भारी सामान को आसानी से रखने के लिए इसकी ऊंचाई को जमीन से थोड़ा ऊपर ही रखा जाता है। साथ ही एक फैमिली को स्टोरेज कैपेसिटी की भी जरूरत होती है, जिसके चलते इस
इसमें एक बड़ा अंडर सीट कैबिन भी बनाया जाता है और इस केबिन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसके इंजन के साइज को भी छोटा ही रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि एक छोटा इंजन बड़े बड़े टायर्स को घुमाकर ऊंची चढ़ाई वाली जगहों पर ले जाने में असमर्थ रहेगा। इसके चलते स्कूटर के इन टायर्स को छोटा ही रखा जाता है और घर में मौजूद लड़कियों के कम्फर्ट को भी ध्यान में रखते हुए इन टायर्स का साइज छोटा ही बनाया जाता है। नंबर 5, अभी तक आपने आर्मी के जवानों को दी जाने वाली टफ ट्रेनिंग को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक शाओलिन मॉन्क को दी जाने वाली ट्रेनिंग को देखा है? एक शाओलिन मॉन्क के हाथों और उसकी उंगलियों को लोहे जैसा मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए उन्हें आयरन फिंगर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए उन्हें अपने हाथों और उंगलियों को कुछ इस तरह से लोहे के इन ड्रम के बीच में से गुजारना पड़ता है और दीवारों जैसे हार्ड सरफेस पर अपनी उंगलियों को कुछ इस तरह से मारना पड़ता है। आप ये जानकर काफी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा करने से उनकी उंगलियां इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि ये बहुत ही आसानी से एक पेड़ के तने तक में गड्ढा कर देते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।